नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला क्लिक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वह 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है। बहुत सारे लोगों का तो पहले ही शिफ्ट में है, बाकी का अन्य शिफ्ट में है। तो मैं सीधा सा आपको ये बताने आया हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग अवश्य कर लें। आज की क्लास में मैं 2010 से लेकर के 2022 तक बिहार पुलिस में पूछे गए संविधान के, जी हां, बिहार पुलिस में पूछे गए संविधान के यानी कि पॉलिटी के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटे का हो सकता है या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वीडियो के सारे क्वेश्चन को देख लें। ये जो 6 पालियों में एग्जाम है, इन 6 पालियों में मिला करके बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लें। पीडीएफ के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करना है। फिलहाल जो पुराने छात्र हैं, पुराने जो हमसे जुड़े हैं, उनको पता है कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। तो लगभग 200 प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, लगभग 200 प्रश्न है। इन 200 प्रश्नों को मैं डिटेल में आपको कराने वाला हूं। तो धैर्य बना करके इन 200 जो क्वेश्चन हैं इनको आप देखें और जो 21,391 में आप अपना सपना साकार करना चाहते हैं उसमें एक कदम और आप आगे बढ़ जाएंगे इन क्वेश्चन को करने के बाद। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न ही देखिए, पहला प्रश्न ही है था संविधान के किस भाग में। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि कुछ प्रश्न जो है इसमें वह बहुत ही इजी होगा क्योंकि 2010 में भी पूछा गया है और कुछ जो प्रश्न होगा वो थोड़ा लेवल का होगा। तो सारे प्रश्नों को देखना है, ऐसा नहीं कि इजी है ये हमको आता है। आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में कि जो इजी प्रश्न होते हैं उन्हीं में आप गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे यार इतना इजी, और इजी क्वेश्चन से ही आपका जो है वह रिजल्ट वह रुक जाता है। तो इस वीडियो में जो भी इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन सबको हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग पूछ रहा है तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। अगर अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद 5 से 11, जी हाँ, अनुच्छेद 5 से 11। अगर अनुच्छेद पूछता तो 5 से 11, अगर भाग पूछ रहा है तो यह भाग 2 में है। यह चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। आप जानते हैं फिलहाल नागरिकता की बात करी गई है तो हम लोग नागरिकता जाने। चलिए दूसरा सवाल, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग संबंधित है तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध किससे है? इनका संबंध है केंद्र राज संबंध से। किससे है? केंद्र राज संबंध से पुंछी आयोग का संबंधित है। पुंछी क्या थे? पुंछी आयोग एक न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीश के द्वारा ही यह आयोग, मतलब वो जो थे वह इसके मुख्य रूप से सदस्य थे, अध्यक्ष थे इस आयोग के, इस वजह से इसका नाम पड़ा है पुंछी आयोग। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर, बिहार विधानसभा, जी हाँ, देखिए बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से प्रश्न बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? अगर बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हो रही है तो उसकी गणपूर्ति पूछ रहा है कि कितने सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति में। तो देखिए 2 कंडीशन है, कुल सदस्य का 1/10 भाग या 10 सदस्य, इनमें से जो अधिक हो वही गणपूर्ति मान लिया जाता है। कुल सदस्य का 10वां भाग या 10 सदस्य, दोनों में जो अधिक हो वही माना जाता है, तो यह भी ध्यान देना है आपको। चलिए 4 नंबर, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? प्रस्तावना पूछ रहा है तो प्रस्तावना जो है वह यूएसए, देखिए सब सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका के ही संविधान में देखा गया, वहां से अन्य देशों ने उसको कॉपी किया। भारत ने भी यूएसए के संविधान को देख करके ही अपने संविधान में प्रस्तावना ऐड किया। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की भाषा, यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से होगा, लेकिन अगर प्रस्तावना पूछे तो यह यूएसए से होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन को मैं फिर से दोहरा देता हूं।
देखिए मैं पहले ही कह चुका, कुछ प्रश्न है जो एकदम इजी और कुछ मध्यम वर्ग के और कुछ थोड़ा सा उच्च वर्ग के होंगे, तो सारे प्रश्नों को देखना है। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची, मतलब किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश के स्थान और राज्यसभा में जो स्थान है उनका, मतलब सीटों की जो संख्या कहने का सीधा सा मतलब है उनका, तो ये है चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो आपको पता है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, कुल 80 सीट, ठीक ना। अगर पूछ दे आपसे कि बिहार में, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीट है, तो जरा आप लोग कमेंट करिए कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, और साथ ही साथ ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि राज्यसभा की कितनी सीट है, दोनों आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप कम से कम जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में इतनी जानकारी है या नहीं है। चलिए सात नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो स्टुअर्ट मिल का संबंध नीति शास्त्र से है, यह भी ध्यान देना है। किस शास्त्र से है? नीति शास्त्र से है, राज्य के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए आठ नंबर, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इनके मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सीजेआई हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो उनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से उनको जो है वह हटाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है, सभी को पता है देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति पूछ रहा है, तो नियुक्ति भैया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। चलिए, भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में जो दल है वह कैसा दल है? क्या एक दलीय है या द्वे दलीय है या बहुदलीय है? आपको पता है कि भारत में बहुत सारे दल हैं, है कि नहीं? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये सारी पार्टियां हैं। तो यहां बहुदलीय व्यवस्था है, केवल एक दल और दो दल नहीं है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए बारह नंबर सवाल, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता पूछ रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाने की बात की जाए तो बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत संसद में ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसका प्रावधान है? तो यह 108 अनुच्छेद। कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? तो अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, ठीक ना। तो ये चीज कम से कम याद रखिएगा। चलिए, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है, कौन? तो बीएस रामादेवी प्रथम महिला है, यह निर्वाचन आयुक्त बनी थी, बीएस रामादेवी, ध्यान दीजिएगा। निम्न से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो H.N. बहुगुणा, ये ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन था, उसमें से छटना था, तो H.N. बहुगुणा ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा के पूछ रहा है, तो आपको पता है कि मीरा कुमार जो है वो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जानी जाती है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो बताएंगे G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, यह प्रथम लोकसभा स्पीकर हुए, मेल थे। और फीमेल की बात करी जाए तो मीरा कुमार, याद रखिएगा। चलिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परावर्तन को निलंबित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जब आपातकाल लागू होता है तो आपके मूल अधिकार पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा करते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऐसा कर दिया जाता है। चलिए,
राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? राज्यसभा में आपको पता है कि जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य, जैसे कि मान के चलिए कि राज्यसभा में कहीं 30 सीट है ना, 30 सीट है माना कि, मतलब हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो प्रति 2 वर्ष बाद इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे, यानी कि 2 वर्ष में 10 सदस्य अवकाश कर लेंगे, फिर अगले 2 वर्ष में 10 सदस्य, और फिर अगले 2 वर्ष में 10 सदस्य, यानी कि 30 सदस्य कुल 6 वर्ष, तो इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है ना। ऐसे करके आप कार्यकाल भी जान गए, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव भी होता है। जब अवकाश ग्रहण करेंगे तो जो सीट खाली होगा उसको भरना भी तो है ना, तो भरना है भैया, चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। संपत्ति का अधिकार अभी है, संपत्ति का जो अधिकार है वह पहले तो मूल अधिकार में था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 के तहत अब यह आता है। 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, तो किसको देंगे? तो वह उपाध्यक्ष को देंगे। जी हाँ, वह उपाध्यक्ष को देंगे। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को नहीं, वह अपना उपाध्यक्ष को देगा, जो उपाध्यक्ष है उसको देगा। ठीक, चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह होता है 5 वर्ष। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे कि सर बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन देखिए जरा सा क्वेश्चन को अगर घुमाता है, आपको पता है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अभी आपने पढ़ा कि 6 वर्ष, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होगा? प्रश्न ऐसे पूछेगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल इनमें से होगा 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। अब आप तो यही सोचेंगे कि भैया जब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है तो सभापति का कम होगा, सभापति का भी 6 होगा, लेकिन सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है, इसलिए यह प्रश्न आया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो आप बताएंगे कि 6 वर्ष। अगर मुझे क्वेश्चन सेट करने का मौका मिलता तो हम ये ना पूछ करके कि राज्यसभा, ये ना पूछ करके कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, हम ये पूछते कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, हम ये पूछते, है ना। तो ऐसे करके आपको फंसाने की कोशिश करते, और संभवतः कुछ लोग फंस भी जाते, तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ? तो आपको पता है कि यूएसए में सबसे पहले लिखित संविधान जो है लागू हुआ है, लिखित संविधान की बात की जा रही है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, तो भारत का महान्यायवादी, जी हाँ, भारत का महान्यायवादी जो है वह प्रथम लीगल ऑफिसर है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र जो है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? देखिए यह प्रश्न बढ़िया है। राज्यसभा, जैसे आपसे अभी पूछा गया था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो आप बताएं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। वही प्रश्न यहां पूछ रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा, और ऑप्शन में रखेगा उपसभापति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति को क्यों देगा, राज्यसभा का सभापति है तो ये उपसभापति को देगा, लेकिन आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि राज्यसभा का जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति है, और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ प्रश्न जो है वह बहुत ही शानदार है, कुछ प्रश्न थोड़ा सा कम लेवल के। चलिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ करता है, कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद हटाता है, संसद के द्वारा ही यह कार्य कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और विशेष बहुमत से हटाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1993 में, जी हाँ, 1993 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे?
तो जनरल बिपिन रावत जिनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, आपको इस बात का जानकारी है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्र सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह संविधान निर्मात्र सभा के सदस्य नहीं थे। जी हाँ, संविधान निर्मात्र सभा के सदस्य में मोहम्मद जिन्ना का नाम नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में जो संप्रभु है वह भारत की जनता है, भारत के लोग। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आप पाते हैं हम भारत के लोग भारत को, मतलब हम लोग ही हैं जो भारत को यह संविधान दे रहे हैं। तो संप्रभु कौन है? संप्रभु भारत की जनता है। ओके, चलिए। भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए 32 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है? आपको अभी हमने बताया कि आपातकाल जब लागू होता है तो मूल अधिकार को रोक लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जीवन सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला जो अधिकार है, यह अधिकार निलंबित नहीं होता है, यह अधिकार आपका मौजूद रहता है। जीवन की सुरक्षा का अधिकार आपातकाल के समय भी आपका एक्टिव रहता है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषय पर अगर कुछ बात है, कुछ मामला है, तो उसके शक्तियों का विस्तार जो है वह संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाएगा, न्यायालय के शक्तियों का। ओके, क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका PIL का जनक माना जाता है? तो आपको पता है कि PN भगवती, जस्टिस PN भगवती को PIL यानी जनहित याचिका का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में जटिल लग रहा होगा। पूछ रहा है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 32 भी देगा, तो अनुच्छेद 32 कब होगा? जब पूछता कि मूल अधिकार के हनन पर आपको सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है, तो तब होगा अनुच्छेद 32, लेकिन उच्च न्यायालय जाने की शक्ति अनुच्छेद 226। यह केवल मूल अधिकार के हनन पर ही नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार का अगर हनन होता है तब भी आप 226 अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछता, अनुच्छेद 32 बता देते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में आप केवल और केवल मूल अधिकार के हनन पर ही जा सकते हैं, ना कि कानूनी अधिकार के हनन पर। ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, जी हाँ, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संदर्भ में सही है? तो अधिकतम संख्या 17 सदस्यों की हो सकती है। जी हाँ, बिहार लोक लेखा समिति की जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वह 17 ही हो सकती है, यह कथन सही है। चलिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। बच्चा, कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल समझ से परे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको, एग्जाम में भी मिलेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ ये फालतू टाइप का है। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो यह फरवरी 2000 में जनसंख्या नीति लागू हुई है, यह ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता दो अलग अलग पहलू हैं। तो संसदीय सर्वोच्चता की बात की जाए तो यह ब्रिटेन से, और न्यायिक सर्वोच्चता की बात की जाए तो यह USA से लिया गया है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है? दरअसल प्रस्तावना को पहले संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता रहा है। तो यह पूछ रहा है कि सर्वप्रथम यह किस वाद में बोला गया है? तो यह बेरुवाड़ी यूनियन वाद में बोला गया है, सबसे पहले यह बोला गया था। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और उपसभापति उससे नीचा होता है ना,
तो इनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनका एक पैनल होता है, उसी पैनल का कोई सदस्य जो है वह नामित जो होता है वह करेगा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को सुनिश्चित करता है, मतलब इनके दुर्व्यापार पर रोक लगाता है, यह अनुच्छेद आप बता दीजिएगा, और यह दुर्व्यापार को निश्चित करता है यह क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद जो 23 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर नहीं रखा जा सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 ध्यान दीजिए। चलिए, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, तो बिहार की बात की जा रही है तो प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियां वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है? केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया है आइवर जेनिंग्स। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? तो जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उन्हीं की अध्यक्षता में यह हुआ, मतलब पहली अध्यक्षता उन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो यह दोनों सदस्य होते, दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत यानी कि सभी सदस्य होंगे। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उसके सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी वह 318 थी, ध्यान दीजिएगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत, तो यह दैवीय सिद्धांत है, आपको पता है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बढ़िया प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य कौन करता है? अगर ये दोनों अनुपस्थित हैं, ये दोनों गायब हैं, तो कौन कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, जी हाँ, राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही इस कार्य को करेगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही इस कार्य को करेगा। चलिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किया जाता है, राज्य सरकार की बात की जा रही है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, जैसे संसद के द्वारा किया जाता है कुछ व्यक्तियों के भत्तों का निर्धारण, तो यहां कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों, जैसे केंद्र में जो होते हैं उनको संसद करती है और राज्य में जो है उनको विधानमंडल करती है, विधानमंडल में आपका विधान परिषद और विधानसभा जिस राज्य में है आएगा, जिसमें नहीं है विधान परिषद वहां केवल विधानसभा ही करे। चलिए, वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कितनी बार हुआ है? 3 बार, जिसमें पहला नाम आ गया है 1960 दहेज निवारक विरोध जो था, 1960 का कानून, उसका बैठक हुआ था 61 में, या किस दहेज निरोध विधेयक पर ही बैठक हुआ था, यह भी ध्यान दीजिएगा, बैठक पूछे कि किस लिए बुलाया गया था, तो दहेज निरोध विधेयक जो था इस मामले पर मतभेद हुआ था, तब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की गई थी। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के बीच अगर मतभेद होता है तो कैसे मामला को शटडाउन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो आयोग स्वयं बहुमत से, जैसे 3 लोग हैं, 2 लोग जिस पक्ष में अपना फैसला लेते हैं उनकी बात करी जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सभापति तथा उपसभापति का अगर पद रिक्त है तो कौन करेगा? यह प्रश्न दूसरी बार आ चुका है, तो उसी का पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन पूर्णतः की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को सदन मत समझ लीजिएगा, यह अभिन्न अंग भले ही है लेकिन यह सदन नहीं है, सदन लोकसभा और राज्यसभा दो ही है, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है? तो नागरिक अधिकार अधिनियम। नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत ही नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव का जो है वह निषेध किया गया है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है वह प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। यहाँ की जो न्यायपालिका है यह स्वतंत्र न्यायपालिका है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो यह विशेषता नहीं है, यह गलत है। संविधान के अनुच्छेद 56 संबंधित है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से। जी हाँ, प्रश्न आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 56। ओके, चलिए 60 नंबर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? भाषण और अभिव्यक्ति यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आपको संविधान के अनुच्छेद 19 में है। इसमें आपको 6 प्रकार की और स्वतंत्रता देखने को मिल जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से। चलिए, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अभी हम आपसे पूछे थे कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कमेंट किए, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो इनकी जो संख्या है वह 40 है, ध्यान दीजिएगा। अब कर दीजिए कमेंट कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, मैं जानना चाहता हूं क्या आप जानते हैं या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, लेकिन योजना आयोग को अब भंग कर दिया गया है। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन सी आयोग है? नीति आयोग है, ध्यान दीजिएगा, 2015 से कार्यरत है। यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो अरस्तु ने यह कहा था कि राज जो है वह व्यक्ति का पूर्वगामी है, ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति है, तो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट आपको पता है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय करता है, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों होगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में गलत है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है, तो जी नहीं, प्रस्तावना में केवल और केवल 1 बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। जी हां, ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में केवल और केवल 1 बार संशोधन हुआ है। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, साफ आप याद रखिएगा, साफ। तो केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है, ध्यान देना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालिएगा, 1 बार। अच्छा, एक प्रश्न और बता दीजिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जरा कमेंट करिए, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। चलिए आगे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो राज्यपाल किस मामले पर अध्यादेश जारी करेगा? राज्य सूची पर करेगा और समवर्ती सूची पर करेगा, जिसमें दोनों आते हैं, राज्य और केंद्र। क्या केंद्र सूची के विषय पर करेगा? भाई केंद्र सूची के विषय पर आप कैसे करेंगे? जिस पर आपको कानून बनाने का अधिकार है आप उसी पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, सीधी बात। तो कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सूची पर नहीं, तो इसलिए केंद्र सूची वाले विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करेगा। चलिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का संबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो चुनाव प्रणाली का जो संबंध है अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। कितनी बार? 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। आप जब पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को, तो यहीं पर आपको 2 बार मिल जाता है इसका उल्लेख, इसके अलावा कहीं नहीं फिर आपको मिलेगा। चलिए, तो अगला प्रश्न चलते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का जो अधिकार है यह शामिल नहीं है। कौन सा?
हड़ताल करने का अधिकार यह शामिल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में गलत है? गलत कथन को छाटना कह रहा है, तो नीति निर्देशक के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं, यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी है। तो जी नहीं, नीति निर्देशक तत्व राज्य अपनी शक्ति के अनुसार ही करेगा। आप पाबंद नहीं कर सकते हैं कि आपको ये करना ही है। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार आप नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है उसको लागू कर सकता है, ना कि आप न्यायालय जाके लागू करवाएंगे, ऐसा नहीं है। राज्य के सरकार जो है वह राज्य के कल्याण के लिए या जनता के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ही कहिए, यह लागू कर सकती है प्रावधान को। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 111(1) में परिभाषित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के 7वीं सूची में अनुसूची में आते हैं, तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, केंद्र सूची और संबद्ध सूची तीनों आते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो हम बता चुके हैं पहले भी कि दोनों सदनों के सभी सदस्य। ओके, चलिए उपराष्ट्रपति की बात करें तब, और राष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता है पहले ही विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो जो राज्यों के निर्वाचन आयुक्त हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? जैसे न्यायाधीश को, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे, तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अध्यक्ष होगा वह उपाध्यक्ष को देगा, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उपसभापति को न देकर के राष्ट्रपति को देगा। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1947 में। जी हाँ, वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही गृह मंत्री भी थे, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। फिर से वही प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को कैसे हटाया जा सकता है? तो जैसे सुप्रीम, जैसे हाईकोर्ट के मतलब जो न्यायाधीश है उनको। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ऐसा लिखा हुआ है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किसने? सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा किया गया। चलिए एक चीज और बता दीजिए, भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? मूल कर्तव्य कितने थे बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन दे रहे हैं 1, 10, 11, इनमें से कोई नहीं, कमेंट करें। तो आपको पता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल कर्तव्य एक था भी नहीं, एक भी नहीं था जब शुरुआत हुई थी संविधान की। अगर रहता तो सिफारिश क्यों बाद में किया जाता? जाहिर सी बात है बाद में जोड़ा गया है ना। चलिए, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पहली दफा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, डाक संशोधन विधेयक वाले मामले पर। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? अनुसूची 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट से है, किससे है? डोमिनियन स्टेट से है दीपावली घोषणा पत्र का संबंध। वोट देने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का आपको प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग? 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे जरा कमेंट करिएगा। ऑप्शन देते हैं 12, 10, 22, इनमें से कोई नहीं। बड़ा इजी प्रश्न है, आप लोग जानबूझ के भी गलती कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए, अंतरराज्य परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो अंतरराज्य परिषद का जो सदस्य नहीं होता है वह राज्यपाल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, तो कार्ल मार्क्स जो हैं वह दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार का एक आयोग है, कौन सा आयोग है? तो वह आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ध्यान दीजिएगा।
शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत में लागू कब हुआ? तो लागू की बात करी जाए तो लागू हुआ था 2010 में, लेकिन आया कब था? तो 2009 में। दोनों चीज आपको ध्यान देना है। राजनीति से धर्म कभी भी अलग नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? बढ़िया प्रश्न है। राजनीति धर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता है, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो अगर सब आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कमेंट करिए, राज्यपाल के लिए आपको कमेंट करना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता, तो आपको पहला प्रश्न यही था, भाग 2। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आशय है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय सरकार से तात्पर्य है। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करता है, तो आधारित लोकतंत्र जो है वह पंचायती राज ही सुनिश्चित करता है, ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, तो गांधीवादी दर्शन पर तो और भी हैं लेकिन ऑप्शन में एक ही था, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधी जी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वह गांव में निवास करती है ना, तो ग्राम पंचायत को मजबूत करके और भारत की आत्मा को मजबूती देना, तो ये गांधीवादी विचारधारा पर ही आधारित है, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, शानदार सवाल। भारत के मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। कुल कितनी भाषाएं हैं जरा आप बताइए, क्या 22 भाषाएं हैं या 23 हैं या 24 हैं या 25 हैं, जरा आप कमेंट करिए कि भारत की जो भाषा है 8वीं अनुसूची में उसकी संख्या कितनी है, 22, 23, 24, 25। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो यह जो संख्या है यह घटती बढ़ती रहती है, फिलहाल जब क्वेश्चन सेट किया गया है उस समय 34 है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है, तो केंद्रीय चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह गैर संवैधानिक है, यह ध्यान देना है आपको। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, देखिए धन विधेयक को पूर्णतः पारित विधेयक ऑलरेडी पारित होता है, वो राज्यसभा में केवल और केवल वह भेजा जाता है, राज्यसभा उस पर कुछ एक्शन ले या ना ले कोई मतलब नहीं है। अगर एक्शन ले तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, आपने कुछ सुझाव दिया मैं मानूं या ना मानूं मेरी मर्जी। अगर आप 14 दिन तक मौन हैं, सुझाव नहीं देते हैं, तो मैं ये समझ लूंगा कि आप सहमत हैं, आप सहमत रहे या ना रहे बिल पारित होगा क्योंकि वह धन विधेयक है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ये चीज जान लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल, तो पहले भी बता चुका हूं, 2 बार दोनों सदनों के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, अभी हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया। ओके चलिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो अपनाने की बात करें तो 26 नवंबर 1949, पूर्ण रूप से लागू तो 26 जनवरी 1950। संविधान के लागू होने के समय किस आदर्श को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, हमने पहले चर्चा किया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो यही पूछा है कि कौन सा शब्द मूल में नहीं था, तो ये 3 शब्द नहीं था। अब ऑप्शन में आपको देख लेना है कि कौन इन 3 में है, तो समाजवादी जो है ये ऑप्शन में था, तो समाजवादी जो था वह मूल संविधान में नहीं था। देखिए मैं इतनी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं कि एक बार अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे ना तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी उससे जुड़े हुए। अच्छा मैं जब शुरुआत में आपको बताया तो देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं, आप अगर इसको नहीं भी पढ़े होते तब भी बता दिए होते क्योंकि मैं आपको क्लियर कराते चल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं केवल रट बातें चल रहा हूं, आए गए औसनम जौसनम, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं।
देखिए मैं आपको अपना मान के पढ़ाता हूं, ये नहीं कि बस पढ़ाओ जाओ, ये काम नहीं है हमारा। हमारा काम है कि हम जिसको समय दे रहे हैं वो भी हमको अपना बहुमूल्य समय दे रहा है, तो उसको कुछ ऐसा दो जो उसका फ्यूचर बनाए, जो उसे काम आए, है ना। वैसे तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, तो किताब ही पढ़ ले, है कि नहीं। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जोड़ के पढ़ाने का कि आप जो है वह चीजों को याद रखें और एग्जाम में वो काम आए। चलिए, वंदे मातरम के रचयिता, तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ी सी मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रश्नों की संख्या 200 है और 200 प्रश्न है तो समय ज्यादा लग जाएगा, है ना, तो इसलिए थोड़ी सी रफ्तार में बढ़ा रहा हूं। कंटेंट में कमी नहीं होगी, रफ्तार थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूं तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन अगर गिनती की जाए, ए बी अगर जोड़ दिया जाए, तो 468 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो अभी हमने बताया कि राज्यसभा के सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो भारतीय भाषाओं से। कितनी भाषाएं हैं जरा कमेंट करिए, क्या 22 भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? देखिए प्रश्न कैसे आ रहे हैं, एक ही बार मैं आपको बता दिया और वहीं से प्रश्न आपको बार बार नजर आते रहे हैं, तो समाजवादी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 1976 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु, तो 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर अगर वकालत करना चाहे तो वह कहां कर सकता है? तो वह जहां से रिटायर किया है, जिस उच्च न्यायालय से रिटायर किया है उसके समकक्ष न्यायालय में, जैसे उच्च न्यायालय में, तो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, उससे नीचे नहीं कर सकता है। केवल ये याद रखिएगा कि जहां किया है उससे नीचे नहीं कर सकता है, समान स्तर या उच्च स्तर में कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब है संविधान विधि प्रावधान के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना ही जुडिशियल रिव्यू का कार्यकलाप का मतलब है। संविधान के किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को श्रेष्ठता प्रदान की गई? तो 25वां जो संशोधन था उसी के तहत यह नीति निर्देशक तत्वों पर मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को बढ़त दी गई है 25वां संविधान संशोधन से, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए, बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के पंचायत राज संरचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता तीन प्रकार के जो संरचना है उसको, ग्राम पंचायत और मतलब देखिए ग्राम सभा दिया था, गांव लेवल पर ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, है ना। ग्राम पंचायत वाला पर था, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय बनाया था बलवंत राय मेहता 1957 की समिति, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित उम्र सीमा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना कि क्वेश्चंस आप खुद ही जान जाएंगे कि हाँ ये भी आया है या आएगा। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था पंचायत के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, सब मैं आपको बता चुका हूं और वही प्रश्न आपको देखने को मिल भी रहे हैं, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि नहीं मैं सही जगह पढ़ रहा हूं। चलिए आगे, लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित सरकार, लोकशाही की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। यह बहुत चर्चित परिभाषा और बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग याद कर भी चुके होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत की बात करी जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम, और राष्ट्रगान तो यह है जनगणमन, आपको पता है बढ़िया से। चलिए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, तो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वही उपराष्ट्रपति प्रथम हुए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी तो है मोर, ध्यान दीजिएगा। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य तो राजस्थान है, राजस्थान के नागौर जिला से यह शुरू हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? पहले लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य, लेकिन लोकसभा में मनोनीत वाला जो है वह खत्म कर दिया गया है, अब राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, इसे शीत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में। कब? वर्ष 1952 में। गलत चयन करें, विधानसभा के सदस्यता भंग की जा सकती है, विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है, इसमें गलत कथन कौन है? तो यदि वह 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अच्छा ये बताइए 30 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए विधानसभा, विधानसभा के अगर आप बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष तो आपका चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए, यही तो समझना था। गलत कथन कह रहा है और विधानसभा कह रहा है, तो विधानसभा का अगर बनना है तो 25 वर्ष में काम चल जाएगा, ना कि 30 वर्ष में। 30 वर्ष आपको किस लिए चाहिए था? राज्यसभा के लिए चाहिए था, और विधान अगर परिषद है तो विधान परिषद के लिए चाहिए था, ना कि विधानसभा के लिए। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए, वैसे ही विधानसभा में 25 वर्ष चाहिए, तो 30 वर्ष वाला जो है वह गलत है, ये आपको ध्यान देना था। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए गठन हुआ है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए। लोकतांत्रिक अधिकार सरकार के 3 अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 अंग हैं लोकतांत्रिक सरकार में, ध्यान देना है। ICS परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की। भारत सरकार का स्वरूप कैसा है? तो भारत सरकार का जो स्वरूप है वह संसदीय है, आपको पता है। महापौर किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख। लेकिन कहीं आपने पढ़ा होगा कि नगर निगम का प्रमुख तो मेयर होता है। अब आप कहेंगे कि सर नगर निगम का प्रमुख तो मेयर होता है, अब आप बता रहे हैं महापौर, तो मेयर को ही हिंदी में महापौर कहते हैं, ध्यान दीजिए। बढ़िया घुमा करके लपेट के पूछता है बिहार पुलिस में प्रश्न। भारत का संविधान है लिखित संविधान तथा संघीय संविधान, इजी है, याद रखिएगा। भारत एक राज्य है, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ किसी खास धर्म को बढ़त नहीं दी जाती, यहाँ सभी धर्म बराबर है, धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, जरा कमेंट करें। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा परिकल्पना की गई थी। संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, संघवाद का अर्थ यही है, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो नस्लवाद का अर्थ रंगभेद ही है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सुदृढ़ पंचायती राज्य होना चाहिए, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। बिना नागरिक के उत्तर ईमानदार और उत्तरदायी हुए ये दोनों चीज लागू करने से भी काम नहीं चलेगा। नागरिकों को ईमानदार होना अनिवार्य है, उत्तरदायी होना अनिवार्य है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाए जो इसमें रुचि रखते हैं। देखिए पढ़ने का मन किसको करता है? करता है क्या किसी को? नहीं ना, मजबूरी में पढ़ता है। कुछ लोग हैं जिनको मन करता है, तो जिनको रुचि है केवल उन्हीं को पढ़ाइएगा तो संख्या केवल 5% ही मिलेगी। तो ये कतई उद्देश्य नहीं था, ये उद्देश्य था कि शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान आपने जाना होगा, उसके बाद एक आया था सर्व शिक्षा अभियान, मतलब शिक्षा सबको दिया जाए, ऐसा वो किया गया था। तो ये गलत है कि शिक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए जो इसमें रुचि रखते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। चलिए आगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पहले ही आपको बता चुका हूं 6 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए, पंचायत समिति के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंध नहीं रखे थे? तो राज्य पुनर् आयोग के साथ इनका संबंध नहीं था, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंध नहीं था। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में यह अफ्रीका से लौटे थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है चुनाव, ध्यान दीजिएगा।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। जनता पार्टी का पुराना नाम जनसंघ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यह संघवाद की जो है विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉरी, विकेंद्रीकरण तो होता ही है, केंद्रीकरण विशेषता नहीं। चलिए, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार का गारंटी देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार भी गारंटी देता है, ये दोनों तो है ही, आपको पता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ प्रश्न जो है वो बहुत ईजी है। निम्नलिखित में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपको पता है कि केवल 6 राज्य में विधान परिषद है, और आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस में नहीं है, तो आपको याद रखना है। देखिए कैसे याद करिएगा, आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में विधान परिषद है, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है तो यहां भी है। अब आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक है, यहां भी है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है, और आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसके अलावा विधान परिषद कहीं नहीं है। तो याद करिएगा, बिहार उत्तर प्रदेश पड़ोसी, महाराष्ट्र कर्नाटक पड़ोसी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक दूसरे से अलग हुए हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाल ही में 2 जून 2014। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी तरीके से याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड, आपको पता है। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी गई है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करा गया है। नगर निगम का अध्यक्ष, देखिए ये फिर प्रश्न ये वाला आ गया, नगर निगम का जो अध्यक्ष है यह महापौर जिसको मेयर कहते हैं, ये फिर प्रश्न आ गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में कौन सी व्यवस्था जोड़ी गई? तो देखिए यह प्रश्न कितनी बार आ चुका है, आया है कि नहीं, 1976 में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है कौन? जो पागल हो मानसिक रूप से और दिवालिया हो, या अवयस्क हो, 18 वर्ष की से कम आयु का हो, तो ऐसे लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सर्वोच्च अंग का नाम बताइए? तो सर्वोच्च में जिला परिषद, और सबसे कम तो ग्राम सभा है ना, और मध्य वाला पंचायत समिति, तीनों याद रखिए। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन को किसके द्वारा लागू किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51 है कि नहीं, संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र है, तो यह संविधान के द्वारा ही दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल नहीं है? देखिए फिर ये प्रश्न आ गया, विधानमंडल का मतलब क्या कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों पूछ रहा है, तो विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है और केरल में नहीं है, इजी प्रश्न है। देखिए अगर चीजों को सही तरीके से समझेंगे ना, तो आप, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्लास को करने के बाद, 1 घंटा पढ़ने के बाद अगर मन से पढ़ लेते हैं, यहां तक अगर आप समय दिए हैं, तो यकीनन मानिए कि आप उस भीड़ से 1 कदम नहीं 4 कदम आगे हैं, केवल इस क्लास को करके, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एग्जाम बाद आप मिलिएगा। चलिए, पंचशील समझौता हुआ था तो भारत और चीन के मध्य हुआ था, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है, आपको पता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट क्या है? देखिए अभी आपने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट क्या है, 65 वर्ष, लेकिन यहां पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड करेंगे तो 62 वर्ष की आयु में करेंगे। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, तो संप्रभुता जो है इसका एक मूलभूत तत्व है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल के चुनाव संसद करती है, तो जी नहीं, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत करके भेज दिया जाता है जिस राज्य के लिए उनको मनोनीत किया गया वहां। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अलिखित संविधान, आपको पता है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान में इसका नाम आता है, तो अलिखित संविधान इसकी विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान निर्माता ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से आपको पता है मूल अधिकार भी लिया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, पत्र से नहीं पद से हटाने की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, पत्र से नहीं पद से, सर्वोच्च न्यायालय के जिसको न्यायाधीश है उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जैसे हटाते हैं, यह प्रक्रिया लिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हम लोग।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का एक शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में प्रावधान है। निम्न से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के से संबंधित है? तो बीवी गिरी ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। ध्यान दीजिएगा बीवी गिरी। ज्यादा सा पानी पी लूं क्योंकि ज्यादा समय हो जाता है ना तो प्यास भी लगती है। चलिए दोस्तों, हाँ अगला प्रश्न। राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक को कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? यह प्रश्न भी मैं पहले करा चुका हूं, 14 दिन में लौटा देना चाहिए। बाकी प्रक्रिया भी मैं बता रहा हूं आपको। यह कौन तय करता है कि विशेष विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक गया है सदन में तो यह कौन बताएगा? तो लोकसभा स्पीकर इसको फैसला करेंगे कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। चलिए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ध्यान, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। लोकसभा में कोई भी विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के। जी हाँ, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो धर्म विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के ही पारित किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पहले ही उसको पारित कर देते हैं। इस वजह से धर्म विधेयक को पहले से ही पारित विधेयक कहा जाता है। राज्यसभा में जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा चाहे उस पर एक्शन ले या ना ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न। संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद के जो सदस्य हैं उनका वेतन का निर्णय संसद के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोग अपने में से ही कर लेते हैं। प्राकलन समिति के सदस्य होते हैं तो प्राकलन समिति के सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं और 30 के 30 जो है वो सारे लोकसभा से ही होते हैं। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवादी जो है इनको आमंत्रित किया जाता है। यह मत नहीं दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मत की बात की जाए तो यह मत नहीं दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रथम निर्वाचित महिला, तो आपको पता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहले भी इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जी वी मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा अध्यक्ष बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अच्छा, मैं पहले भी बताया हूं कि लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो कम से कम आयु 25 वर्ष। तो जब चुनाव जीत गए, आप लोकसभा के सदस्य बन गए तो सदस्य ही तो अपने में से चुनते हैं, तो 25 वर्ष तो होगा ही। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। कौन मनोनीत करता है भैया? तो राष्ट्रपति। लोकसभा में पहले कितना मनोनीत होता था? 2। कौन करता था? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को, अब नहीं करते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही तो होता है राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। अगर भारत का उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसका कार्य कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति मान के चलिए कि नहीं है तो कौन देखेगा? तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता करना। तो राज्यसभा का सभापति होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो उपसभापति कार्य करेगा, उपसभापति देखेगा, तो राज्यसभा का उपसभापति सही आंसर है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो कौन सा वह लोकसभा था जिसका कार्यकाल 6 वर्ष किया गया? तो वह था 5वीं लोकसभा, इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? तो संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना, गिलोटिन कहलाता है। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लोकसभा जो स्पीकर है वह लोकसभा स्पीकर के रूप में अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। चलिए अगला प्रश्न। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वह प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति होती है, ध्यान देना है आपको। भारतीय संसद का सचिवालय है तो संसदीय कार्य मंत्री के अधीन ही यह सचिवालय है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो आपको पता है राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, इस वजह से राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। अब आपसे पूछे निम्न में से कौन स्थायी सदन है?
राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, आप घूम जाएगा दिमाग अगर नहीं पता रहेगा तो आपको पता है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। विधानसभा भंग होगा, लोकसभा भंग होगा, राज्यसभा भंग नहीं होगा। पॉकेट वीटो का उपयोग एक बार हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है, तो 111 अनुच्छेद में है। भारत के संविधान में राज्य के नेतृत्व तत्व की जो अवधारणा है वह कहां से लिया गया है, राज्य के नेतृत्व तत्व की जो अवधारणा है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल कर्तव्य की संख्या जीरो थी। यह सरदार स्वर्ष समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1976 में जो है वह जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है। किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने, भीमराव अंबेडकर ने। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है, तो राष्ट्रपति के पद के 6 महीने की अवधि होती है, 6 महीने में ही आपको चुनाव कराना अनिवार्य है, तो 6 महीने तक रिक्त रह सकता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह 52 अनुच्छेद में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में ही निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 कहता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है वह कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति अगर बनना है तो उम्र कम से कम आपका 35 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय करना। तो 198 प्रश्न थे जो बिहार पुलिस 2010 से 2022 तक पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मैं एक चीज और बता दूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है पुराने बच्चे जानते हैं, नए बच्चों को मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम में जुड़े, निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करें। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हुई होगी आखिरी कुछ मिनट्स में, क्योंकि जो मैं माइक यूज कर रहा था शायद उसकी बैटरी जो है वह लो हो गई है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि वीडियो लंबा है और चूंकि यह माइक भी अब पुराना हो चुका है, मैं माइक बदलूंगा, जल्द ही बदल दूंगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, बाकी कंटेंट आपको क्वालिटी वाली मिली है। तो मैं एक चीज और बता दूं, मैं बार बार कहता हूं इतने कम समय में इतने क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई नहीं कराएगा और इतनी गुणवत्ता के साथ, 1 घंटे में 200 प्रश्न आपको कहीं कोई नहीं कराएगा, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़िए वहीं जहां सही दिशा में आपको पढ़ाया जा रहा है, फालतू बकवास नहीं कराया जा रहा है, कम समय में आपको तैयारी कराया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सहमत होंगे, अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में बस एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और लाइक अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।